आप कहाँ से हैं? कानपुर से। कानपुर से। ये दोनों बच्चे कितने साल बाद हुए? 15 हो जाएंगे फरवरी से। 15 साल। तो जावित्री के बारे में कैसे पता चला आपको? सर मैंने ज्यादातर यूट्यूब पे इसके चैनल्स देखे हैं जी जी, और गूगल पे भी सर्च किया था, और एक दो लोग मुझे मिले थे, उन्होंने भी बताया था। बताया। यहाँ आने से पहले भी आपने इलाज कराया? हाँ बहुत कराया, कानपुर में कराया जी जी। लेकिन IVF आपने पहली बार फर्स्ट टाइम कराया, और इलाज जो करा है उनसे सफलता नहीं मिली आपको? सफलता नहीं मिली। अच्छा, और जब यहाँ पर आए, यहाँ की जो डॉक्टर है डॉक्टर राजीव त्यागी मैडम, उनसे मिले, क्या बोला उन्होंने, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? खैर उन्होंने जिस मैं फर्स्ट टाइम जब आई तो उन्होंने बोला था कि आपको बेबी जरूर होगा जी जी, और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ कि गोद में दो बच्चे उन्होंने दिए। क्या कहना चाहेंगे उनको जिनके इलाज के द्वारा आपको दो बच्चे हुए हैं? सर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने मेरी गोद भरी, जो भी है उसको बस सफलता मिले जी, और सबकी गोद भरे जी जी। मैडम का भी सपना यही है जो आप कह रहे हैं कि कोई भी पेशेंट यहाँ पे हमेशा स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, और ऐसे ही बस सबका सबकी गोद भरती चलती चलेगा। आपने 9-10 महीने में देखा होगा अलग अलग कोनों से, देश के अलग अलग कोने से पेशेंट आते हैं, कलकत्ता बेंगलोर राजस्थान सब जगह से पेशेंट आते हैं, और यही सफलता को सुन करके आते हैं। एक्चुअली हमने भी कई जगह कुछ जगह देखा, लेकिन हमें यही का इंटरेस्ट हुआ, और फिर मेरे हस्बैंड ने फिर वो भी एग्री हुए, दोनों लोग हम लोग आए फर्स्ट टाइम, मैम से मिले, मैम ने भी अच्छा सब बोला। और एक और अच्छी चीज, यहाँ पर पेशेंटों को ज्यादातर पेशेंटों को पहली ही बार में सफलता मिल जाती है। आज के क्षेत्र में ऐसा नहीं है, आपके कानपुर में कई IVF सेंटर है हर शहर में, लेकिन इतनी दूरी तय करके लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं कि यहाँ सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, इसी वजह से दूर डिस्टेंस फिर आदमी नहीं देखता है। एनीवे जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से आपको दोनों बच्चों के होने पे ढेर सारी बधाई, और भी पेशेंटों जो आपकी नॉलेज में उनको जरूर बताइए, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ आपके परिवार में जो खुशी है इन दोनों बच्चों के आने से, तो ऐसी ही खुशी उन लोगों के भी परिवार में पहुंचे, सबको मिले जैसे मुझे मिली, सबको मिले खुशी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर।